वही जो जुड़ाव होता है जब दो लोग मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, उसमें ती जाती है। क्या कर जाती है? ती जाती है। राइट, फ्लेम पे हाथ रख देना, वाटर प्राप्त होगा, तुम्हारे हाथ में एनर्जी लगेगा, वो क्या होगा? ऊर्जा प्राप्त होगा। सा हेडिंग, छोटा सा प्यारा सा मस्त हेडिंग लगाएंगे, थर्मिक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। एग्जाम्पल मतलब होता है एग्जाम और फल, एग्जाम फल जो कि वो दबा के खाया। अब दबा के खाने के बाद दबा के विश्राम होगा, विश्राम होगा, ऑक्सीजन थैच थैच ऑक्सीजन लेंगे, तो थैच के ऑक्सीजन ले, दोनों गैस खटाक से रिएक्ट किए, बना है जल। आप प्यारा मेरा आपका सबका क्या है? सो हेलो बियसियन, हम लोग बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के हम लोग लेक्चर 6 में आ चुके हैं, और थर्ड फोर्थ लेक्चर में हमने रासायनिक समीकरण को देखा था, और हमने ये भी देख लिया था रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करेंगे। आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में आपको हमने ये पढ़ाया था आपको कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया को आई बटन पर क्लिक करके आप देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या है, और हमने बात किया था कि रासायनिक अभिक्रिया शामिल किसमें किसमें होती है, क्या क्या करती है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वही रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, चूंकि हिंदी यूपी बोर्ड है तो हम दोनों को भी समझते हुए चलेंगे, तो हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन और आर ई ए सी टी आई ओ एन, दिख रहा है सबको, हिंदी में लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभी क्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो अगर हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार, तो कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होंगी, तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं, जो कि हमें क्लास 10th में पढ़ना है। तो सबसे पहले हिंदी में अपने डेफिनेशन को लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। निम्न प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होंगी, कौन कौन सी होंगी? तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 10th पे संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बाबू? संयोजन अभिक्रिया। क्या कोई दिक्कत है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ वही जो जुड़ाव होता है जब दो लोग मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा है, अगर हम बात करें कि मेजरली अगर आपको देखने हो तो आप सीधे से बोलोगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, या हम बोल सकते हैं हिंदी में लिख रहे हैं इधर तो विस्थापन अभिक्रिया। और इस विस्थापन अभिक्रिया को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चौथा क्या है जो हमको पढ़ना है? चौथा पढ़ना है जो है हमारा द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे बाबू? द्वि विस्थापन अभिक्रिया, और इसको लिखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक और है जो हमें पढ़नी है, वो है पांचवा, जो सबसे प्यारा मेरा आपका सबका क्या है? रेडॉक्स। क्या है? रेडॉक्स, इसे बोलते हैं रॉक। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। और यहां पे इसको इंग्लिश में लिखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
हमने बोला कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो हमें क्लास 10th में पढ़नी है, और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हमने देखा कितने, 5 प्रकार के, और 5 प्रकार अगर ये हम पढ़ लेंगे तो पहला चैप्टर मेरा हो जाएगा स्वाहा। तो हम 5 प्रकार को हम एक एक करके कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, और मजेदार टॉपिक है हमारा। सबसे पहला डलता है संयोजन अभिक्रिया। देख के ही लग रहा है कि संयोजन मतलब कि वहां पे लोगों का जुड़ाव, वहां पे कंपाउंड का जुड़ाव, जुड़ के जो उत्पाद बनेगा उसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे संयोजन अभिक्रिया। तो क्या इसको रफ किया जाए, कोई दिक्कत? ठीक है, आइए पहला हेडिंग इसको नोट करके पहला हेडिंग लगाएंगे संयोजन अभिक्रिया। तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने हो गए, 5, जो जनरली हमें जो क्लास 10th में पढ़नी है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार मेरे हो गए 5, और 5 रासायनिक अभिक्रिया मेरे जो कि हमारे बोर्ड पे दिख रहे थे जो कि मिट चुके हैं। अब एक एक डलेंगे। तो पहला हमने लिखना है संयोजन। क्या लिखना है, संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, इसे बोलते हैं इंग्लिश में, हमने लिखवाया था, हाँ जो आप बोल रहे हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो ये हेडिंग, प्यारा सा हेडिंग, छोटा सा प्यारा सा मस्त हेडिंग लगाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। अब देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो हम बात करते हैं वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें। क्या सुनने आया आपको, क्या सुने, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें। अब ये अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, नए विजिटर आई बटन पे क्लिक करके अभिकारक और उत्पाद जरूर देखिए। तो हमने बोला कि संयोजन अभिक्रिया, तो हमने कहा दो या दो से अधिक, क्या बोलेंगे, दो या दो से अधिक अभिकारक, या यहां पे बोल रहे हैं कि पदार्थ जुड़कर नए उत्पाद का निर्माण करें, नए उत्पाद का निर्माण करें, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो अगर आपसे हम पूछ दें कि संयोजन अभिक्रिया है क्या, अगर कोई भी पूछेगा तो आप क्या कहोगे कि हमारे आनंद सर ने पढ़ाया है, दो या दो से अधिक अभिकारक या पदार्थ जुड़कर एक नया उत्पाद का निर्माण करे तो उसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मतलब होता है एग्जाम और फल, एग्जाम फल जो कि आपको मिलेगा A+B और गिफ्ट C। तो हमने कहा कि दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर जब एक उत्पाद का निर्माण करें तो उसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। क्या ये उदाहरण हुआ? नहीं। अब उदाहरण हम मेजरली देखने वाले हैं। जैसे हमने कहा कि कोयले का दहन, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 1 जो आप बड़ी बढ़िया से लिखेंगे तो लिखेंगे कोयले का दहन। तो कोयले के दहन को करा के देखते हैं। दहन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ बर्न करना, जलाना। तो ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे किसको, कोयला को। तो कोयला क्या होता है, कार्बन, और कार्बन सॉलिड होता है। जब इसको ऑक्सीजन के साथ, या O2 ले लिया जाए, ऑक्सीजन गैस है, इसके साथ बर्न करेंगे तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी गैसीय फॉर्म में बनेगा। अब देखिए जो हमने बोला संयोजन अभिक्रिया, क्या उसको ये फॉलो कर रहा है? तो हमने कहा कोयले का दहन, कोयले का दहन मतलब कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करे तो उसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा यहीं पे हम लिखते हैं बाबू, जल का निर्माण। तो अगर कोई पूछेगा कि जल का निर्माण कौन सी अभिक्रिया है तो आप क्या बोलोगे, संयोजन अभिक्रिया है। जल का निर्माण एक प्यारा सा संयोजन अभिक्रिया है, किसी को बताना नहीं है, देखना है। यहां पे H2+O2 गिब्स क्या बन जाएगा,
H2O, अगर हम देखें आपको कह दें कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं बैलेंस है, तो रिएक्शन को बैलेंस करना अर्थात समीकरण को बैलेंस करना आई बटन क्लिक करके चेक करिए कि समीकरण को कैसे हम संतुलित करेंगे। तो हमने कहा कि इस समीकरण को संतुलित करके आप हमें चैट सेक्शन में या हमें पर्सनली डीएम कर सकते हैं। तो ये है H2 और ये हो गया ऑक्सीजन, ये गैस हो गया और ये H2O लिक्विड हो गया। तो हमने देखा जल का निर्माण, दो अभिकारक मिले, जुड़े और जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण किया, तो क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया, और यहां पे क्या बन गया? जल का निर्माण हो गया। तीसरा बहुत अच्छा सा हमारा एक टॉपिक है, तो हम कह रहे हैं कि बिना बुझा हुआ चूना अगर जल के साथ रिएक्ट करता है तो बुझा हुआ चूना बनता है। जैसे क्या इसको मिटा दें हम? चलो एग्जांपल वाला पॉइंट मिटाते हैं और आप नोट कर लीजिए। हमने कहा कि बिना बुझा हुआ चूना, जैसे कि क्विक लाइम अगर हम ले लें, बिना बुझा हुआ चूना से बुझा चूना का निर्माण, क्या कहलाता है? अगर हम बात करें कि टॉपिक हमारा जो तीसरा टॉपिक है, तो हमने कहा कि अगर एग्जाम्पल में तीसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया कि बिना बुझा चूना से बुझा चूना का निर्माण एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है, और इस संयोजन अभिक्रिया को देखने के लिए बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO और साथ में हमने इसको रिएक्ट किया जल से H2O से, तो ये जैसे ही क्रिया करके बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस, और इसे ही बोलते हैं बाबू बुझा चूना। क्या बोलते हैं? बुझा चूना। अब देखो क्या ये समीकरण संतुलित है कि नहीं? कैल्शियम संतुलित हमने सिखा दिया है, इंश्योर करिए जाके वीडियो में देखिए। कैल्शियम एक, ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन दो, क्या ये इस समीकरण को हमने संतुलित करने वाले समीकरण के एग्जाम्पल में लिया था? इसको आप देखिए, आई बटन क्लिक करिए, फटाफट देखिए कि यहां पर हमने कहा था कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है? बिना बुझा चूना और जल के साथ मिक्स कर दिया तो क्या हो गया? बुझा चूना। ठीक है, बिना बुझा चूना और जल के साथ मिक्स होते हैं, क्या बन गया? बुझा चूना। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि संयोजन अभिक्रिया का तीन एग्जाम्पल देखा, और तीन एग्जाम्पल में धमाकेदार एग्जाम्पल तीनों है। तो पहले आपसे कोई पूछेगा कि कोयले का दहन क्या है, तो कहोगे संयोजन अभिक्रिया है। तो कोयले का दहन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, जुड़ता है, तो एक नया उत्पाद बनाता है। क्या बनना था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसी प्रकार हमने कहा कि जल का फॉर्मेशन H2O2 दोनों गैस खटाक से रिएक्ट किए, बना है जल। आपने देखा कि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करे, संयोजन अभिक्रिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? नोट्स अच्छे से बनाइएगा बाबू, कोई भी नोट्स में कहीं भी पॉइंट डाउट हो, कोई भी एक एक पॉइंट डाउट हो, तो आप पर्सनली हमसे बात कर सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया से ही एक टॉपिक रिलेटेड टॉपिक है जिसका नाम है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइए देखते हैं, तो इसको हम मिटा लें, रफ कर लें, और एक छोटा सा अभिक्रिया इसी में ऐड करते हुए समझते हैं कि कैसे संयोजन अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया से रिलेट करा सकते हैं। तो क्या है बाबू? संयोजन अभिक्रिया की ही बात चल रही है, और उसी में हम बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोला जा रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं उष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया या उष्माक्षेपी रिएक्शंस। तो क्या होंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया? तो हमने कहा कि जब नाम से कुछ बात ना समझ में आए तो पकड़ लो उसके काम को, तो नाम के अनुसार ही काम होता है। तो हमने कहा उष्माक्षेपी, उष्मा को क्षेपी मतलब फेंक रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो अगर बात किया जाए कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो हम लिखेंगे वह अभिक्रिया या वह प्रक्रिया, या लिखा जाए वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के दौरान या उत्पाद के साथ ऊर्जा भी प्राप्त हो, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कोई दिक्कत? तो सिंपल सी बात हम बोलेंगे कि अगर कोई पूछ दे कि वह अभिक्रिया
उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो आप बोलोगे वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊर्जा भी प्राप्त हो, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो आइए देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को समझा जाए। तो एग्जांपल के रूप में हम ले रहे हैं कि नेचुरल गैस का दहन, तो नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस का दहन, तो प्राकृतिक गैस हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है मीथेन, CH4। क्या है? CH4। और इसको हम दहन ना करा के, चलिए दहन ही कराते हैं। तो अगर हम दहन कराएंगे CH4, तो हम यहां पे ले लें ऑक्सीजन की उपस्थिति, ले लेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो क्या बनेगा यहां पे? तो यहां से हमें प्राप्त होगा CO2H2O और साथ में भरपूर ऊर्जा, और यही ऊर्जा इधर साइड में प्राप्त होना यह अभिक्रिया इंडिकेट करता है कि यह अभिक्रिया कैसी है? एक्सोथर्मिक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमने कहा नेचुरल गैसेस या नेचुरल गैस का दहन, तो नेचुरल गैस का दहन क्या है? हम कहेंगे नेचुरल गैस क्या है? मीथेन। तो हमने बोला कि जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाएगा, हम जानते हैं मीथेन क्या है, हमारा नेचुरल गैस, हमारे घर में गैस को हम जलाते हैं, गैस को जलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। फ्लेम पे हाथ रख देना, वाटर प्राप्त होगा, तुम्हारे हाथ में एनर्जी लगेगा, वो क्या होगा? ऊर्जा प्राप्त होगा। तो हमने कहा तीन चीज मिल रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। हमने कहा एक्सोथर्मिक रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा प्राप्त हो। अगर ऐसे ही हम बोल दें तो एक और हमारा अभिक्रिया है, जो अभिक्रिया हम कहते हैं श्वसन। कौन सी अभिक्रिया बाबू? श्वसन। श्वसन में हमने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट दबा के खा लिया, कार्बोहाइड्रेट दबा के खाए। तो हमने कहा गया C6H12O6 को दबा के खाया। अब दबा के खाने के बाद दबा के विश्राम होगा, विश्राम होगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या होगा? इसको बर्न करेगा। अब इसको जब बर्न करेगा तो बनेगा CO2H2O, और हमारी बॉडी में सबसे जरूरी क्या है? ऊर्जा। तो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जब भी आपको उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोला जाए तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि राइट हैंड साइड में ऊर्जा लिखा हो। इंश्योर करिएगा कि किसी भी रिएक्शन में राइट हैंड साइड में ऊर्जा अगर लिखा हो तो वह अभिक्रिया कैसी हो जाएगी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो इन दोनों बातों को आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये दो एग्जांपल है उष्माक्षेपी अभिक्रिया के, कोई दिक्कत सी बात नहीं है हमको। मीथेन क्या है? आपको सर मीथेन क्या है? मीथेन हमारे गैसेस है जो हम घर पे आपके जो सिलेंडर गैस में यूज करते हैं। मीथेन को क्या कर दिया? ऑक्सीजन के साथ जला दिया, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ला दो जलेगा ही नहीं। तो हमने क्या किया? ऑक्सीजन के साथ जलाया, सापेक्ष क्या हो गया? CO2 बना, H2O बना, और साथ में ऊर्जा मिला। सबसे प्यारा सा रिएक्शन हमारा ये होता है श्वसन। श्वसन में हम क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। भाई हमारा श्वसन क्यों होता है? श्वसन होने का कारण ही है कि हमारे खाने को पचाना, और जब खाना पचेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही पचता है, तो बचेगा बनेगा CO2H2O, साथ में ऊर्जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कोई भी दिक्कत इसमें नहीं बची है। हमने पढ़ लिया रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखा, संयोजन अभिक्रिया देखा, और उसी के साथ लगे हाथ हमने क्या देख लिया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लगे हाथ हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन को भी देख लिया, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने प्राप्त कर लिया कि ऊर्जा का बनना होता होगा तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर इसका उल्टा भी होता होगा? हाँ बेटा होता है उल्टा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें उष्मा दी जाती है। क्या कर जाती है? दी जाती है। तो उष्मा जब देंगे तो इधर साइड देंगे, उष्मा देंगे तो हम कब पढ़ेंगे? जब आगे का हेडिंग पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तब तक के लिए इतना बनाए रखिए, याद करते रहिए, नोट्स अच्छे से बनाइए। थैंक यू बेलसियन।